नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईडीबीआई बैंक के शेयर की न्यूज के बारे में। दोस्तों, अभी अभी आईडीबीआई बैंक की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है डिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, क्या है खबर, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे पहले खबर को रिवील कर रहे हैं। और दोस्तों, कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। यहां से दोस्तों न्यूज क्या है वो देखते हैं। अभी अभी 10 मिनट पहले की न्यूज है, यहां देख सकते हैं 7:50 की न्यूज फ्लो हुई है मनी कंट्रोल के हवाले से। गवर्नमेंट लाइकली टू कॉल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर आईडीबीआई बैंक सेल इन जुलाई। दोस्तों, गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में 45.48% ऑफ द इक्विटी लेंडर, वाइल एलआईसी करेंटली द प्रमोटर ऑफ आईडीबीआई बैंक विद द मैनेजमेंट कंट्रोल ओन्स 49.24%। तो कहीं न कहीं एलआईसी का कंट्रोल 45.48% का है और 49% के आसपास कह सकते हैं यहां पर आईडीबीआई के मैनेजमेंट के पास है। ओवरऑल दोस्तों, गवर्नमेंट अपने शेयर स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहती है और ये आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है गवर्नमेंट का 10 जून को। और यहां से जो बिडिंग मंगाई जाएंगी, ऑफिशियल जो बिड्स मंगाई जाएंगी, वो डिड नॉट वांट टू नेम टोल्ड द रिपोर्टर्स। द कैबिनेट हैड इन मे 2021 अप्रूव द स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो दोस्तों, डिस इन्वेस्टमेंट की जब भी खबर आती है आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक का शेयर 15 से 20% के करीब भागता है। अब यहाँ पे देखना होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से काफी करेक्शन आ चुका है अगर आप चार्ट पे देखेंगे। और यहाँ से ये जब न्यूज फ्लो हुई थी इस यहाँ पे करीब, तो दोस्तों ये शेयर यहाँ से लगभग 38 रुपए से 63 रुपए के करीब तक गया था। और जब भी न्यूज इस तरह की बीच बीच में आती रही है तो बड़े मूव आते रहे, जैसे एक बार और बीच में न्यूज आई थी 44 रुपए से 54 रुपए। तो लगभग 15 से 20% का जंप हर बार इसमें मिलता है और जब भी न्यूज फ्लो होती है। तो अगर हम उसको लेके चले तो हम लोग इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉसेज एक लगा लें शॉर्ट टर्म के लिए 33 रुपीज का। तो 33 का एक स्टॉप लॉस लगाए तो अपसाइड दोस्तों जो टारगेट मुझे नजर आते हैं ये इजीली सरपास कर लेगा 39 रुपए। तो 41 का पहला एक टारगेट हमको पड़ाव नजर आता है और जैसे ही क्रॉस करेगा 50 डे मूविंग एवरेज तो हम लोग 47 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। यानी कि 33 का एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अपसाइड दोस्तों लगभग लगभग 10 रुपए तक के टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है आईडीबीआई बैंक के। न्यूज काफी बड़ी है दोस्तों, तो इसमें टारगेट भी काफी बड़े होंगे। तो दोस्तों, ये थी खबर, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।